तरफ से जमा लिए। आई मिस यू सो मच। ठीक है चलिए लाल वापस आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। मुरों की जो एक्सरसाइज कल पूछी गई थी तो इनिशियल स्टेज से अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बैठ के स्टार्ट करेंगे। हाँ बैठे, मैं भी बैठा हूँ। ये क्या हुआ, आप थक गए? ये तो हाल है। जो आपका सोफा हो या कुछ हो तो उसके एज पे आपने बैठना, बैक स्ट्रेट रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखे आपने टच टच करना है नोज को वापस से। ये इनिशियल स्टेज है, मतलब ये जीरो से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सरसाइज को हार्ड करते जाएंगे, लेकिन बर्दाश्त आपकी जितनी हो उस हिसाब से ही आगे इसको बढ़ाते जाइए। चेस्ट को टच करेंगे, नीचे वापस स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट रखिए। ये जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा बैक पे, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड स्टेज क्या करेंगे उसकी, ये पोजिशन रखेंगे स्ट्रेट, बैंड होते हैं, बैंड होके वापस पीछे की तरफ आपने थोड़ा सा लीन करना है, लेकिन नीचे जाते हुए बैक स्ट्रेट रखिएगा, तभी जाके आपके बैक पे इफेक्ट आएगा, वरना इफेक्ट नहीं आएगा। सिक्स रेप्स इसमें स्टार्ट में आपने लगाने हैं। सेकंड थर्ड स्टेज में आपको बता देता हूँ, सेकंड ये हो गई, थर्ड थर्ड स्टेज में थोड़ा सा वेट्स के साथ ये की जाती है एक्सरसाइज, ठीक है। एट रेप्स लगाने कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल इसी रेप स्केल के ऊपर चलें। पहले वाले में 5 रेप्स, दूसरे में 7, तीसरे में 8। चलते हैं अपर बैक की तरफ, थोड़ा सा बैक पोजीशन आपकी बिल्कुल वही 45 डिग्री एंगल बनेगा, यूं आपने लेके जाना है हाथों को और आगे बढ़ा, अब वापस आगे स्ट्रेट। हमारा कंप्लीट हो गया, चलते हैं हिप पोर्शन की तरफ। हिप की जो एक्सरसाइजेस कल पूछी गई थी तो वो आज स्टार्ट करते हैं स्क्वाटिंग से। स्क्वाटिंग में क्या करना है, आपने हिप के ऊपर जोर देना, थाइस के ऊपर जोर नहीं देना, वो बताता हूँ आपको कैसे देना होगा। थाइस पे जब हमने जोर देना होता है तो बैक स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। अगर हिप पे देना होता है तो थोड़ा सा आगे की तरफ जोर देते हैं, तभी जाके हिप पोर्शन के ऊपर जोर आता है, ठीक है। तो बॉडी को आगे की तरफ थोड़ा सा लीन कीजिएगा। सिक्स रेप्स से स्टार्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसी तरह से सिक्स रेप्स आपके पहले सेट में हो, सेकंड सेट भी सिक्स रेप्स का चैलेंज। थोड़ा सा आगे की तरफ आपने लीन होना है, सिक्स रेप्स का सेकंड सेट हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारी हिप पोर्शन की पोजीशन ये रखिएगा, पीछे की तरफ आपने किक करना है, लेकिन घुटना अपना स्ट्रेट रखिएगा। टर्न के बाद स्विच करेंगे, टर्न हमारी कंप्लीट हो गई। आज का वर्कआउट बैकबोन का, लोअर बैक, अपर बैक और हिप पोर्शन की, ठीक है। इनिशियल स्टेज इसका कंप्लीट हो गया सारा, ठीक है। और कल हमने वर्क किया था ऑस्टियोपेगनेसिस के लिए साइड एक्सरसाइज स्कीम थी, आज हमने लोअर बैक, अपर बैक और हिप पोर्शन के लिए एक्सरसाइज की, ठीक है। कल हमारा आई साइड का है, आई साइड की एक्सरसाइज, अब वो वाला वो यू यू कैसे लिखते हैं, यू 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 दिखाएंगे, ठीक है। चले ठीक है जी, तो कल एक्सरसाइज होगी जी आईज की, तो वो भी जरूर करिएगा, आप लोग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और अदनान एक अच्छा सा गाना, देन हमने ब्रेक पे जाना होगा। और जी आप लोगों के लिए सवाल आ गया है, आप लोग सवाल का जो जवाब देंगे यकीनन फिर आप लोग विन कर सकते हैं सईद गनी का गिफ्ट हैम्पर। मुझे बताइए कि राजू जमील साहब के जो फादर थे जमीलुद्दीन आली साहब, उन्होंने कौन सा मशहूर मिली नगमा लिखा था, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है जी। ये आज का सवाल है, आपने सवाल बताना है, जो इसको विन करेगा वो विन करेगा सईद गनी का गिफ्ट हैम्पर और बहुत सारी दुआएं।
और देखें कि इतना मेलोडी सॉन्ग है ये जबरदस्त। अच्छा, वो कौन सा गाना गाता है? बारिश के मौसम में वो तो आवाज ही नहीं समझ में नहीं आती। फिलहाल
इस इतवार के सफा मेरी डायरी में बिल्कुल खाली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई जॉगिंग ग्राउंड नहीं है जो तुम दौड़ती फिर रही हो। देखो तुमने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। You made me lose my very good putt. सर ये बहुत जरूरी था, आज क्लाइंट्स चले जाएंगे और आपने इन कागजात पे साइन नहीं किए ना इस चेक पर। सबरीना सबरीना, आखिर मैंने तुमको सेकंड सेक्रेटरी क्यों बनाया है? इसीलिए ना कि जब मैं यहाँ ना हुआ करूँ तो छोटे मोटे अमाउंट्स पे तुम खुद साइन कर दिया करो। सर ये छोटा मोटा चेक नहीं है। देखो लड़की, मुझे ये थोड़ा सा वक्त मिलता है रिलैक्स करने के लिए, ऐसे वक्त में मुझे तंग मत किया करो प्लीज। सर आप ये साइन कर दीजिए, मैं बस अभी चली जाती हूँ। खेल तो खराब कर दिया ना तुमने, ये लीजिए भाई। इस तरह तुम मशीन रखो अपनी, मेरी एक बात सुनो। अब तुम बच्चों की शादी की फिक्र करो। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने जरिश के लिए एक छोटी सी कार खरीद ली है, उसको अस्पताल जाने में आसानी रहेगी। ओफो, तुमसे तो कुछ कहना तो नहीं बेकार है। रवि आप रामीन की जॉब से नाहक परेशान हो रही हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो हफ्ता दो हफ्ता काम करेगी, उसके बाद कान पकड़ेगी और फिर इवेंचुअली किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेगी। एंड दैट्स द एंड ऑफ दैट। आप चले जाइए सर। चल बाहर। चौकीदार इन्हें बाहर निकालो और दरवाजा बंद करो। जवान ये कैसी है, मेरा बाला बन गया, मेरा बेटा मर गया है मेरा बेटा। साथी खबर करना हमारा फर्ज था। जमाल इतने बरस हो गए, मैंने मैंने अपने बच्चे की सूरत नहीं देखी। अब तो दिखा दो मेरे बच्चे की शक्ल, दिखा दो। मर गया है अब तो वो, मुझे ले चलो उसके पास, मुझे मेरे बच्चे की शक्ल दिखा दो। अच्छा साहब जी मैं चलती हूँ। कह रो महफूज गाड़ी चल रही, आप रुको। माफ कीजिएगा सर मदन साहब, मैं यहां बैठे नहीं आया, और अगर खैरियत होती तो मैं सुबह सुबह आपके ऑफिस भी ना आता। मैं आपको ये बताने आया हूं कि लड़की वाले इतने कमजोर नहीं होते कि कोई मेहंदी या माइयों की रस्म हो जाए तो वो मजबूर हो जाए अपनी बेटी को ब्याहने के लिए। मैं समझा नहीं आप क्या कहना। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने ये झूठ क्यों बोला कि सौलत मिर्जा मुल्क से बाहर है? और न सिर्फ आपने बल्कि रूहान की वालदा और नानी ने भी गलत बयानी की। मैं आपसे इस झूठ का मकसद पूछ सकता हूं? अहमद साहब बात दरअसल यह है कि बस इतने बड़े हो गए हैं आप, आपको पता नहीं झूठ बोलना गुनाह है। खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं सौलत मिर्जा को भूलबन में, मैं किसी लड़की के साथ रंग रैली मनाते हुए। जी वेलकम बैक, फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। अल्लाह करे कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत हुई हो, क्योंकि यकीनन आज की सुबह तो बहुत ही अच्छी है, रहमतों वाली सुबह हुई है। जिस सुबह सुबह बारिश हुई है तो अल्लाह करे कि रहमत हम सबके ऊपर बरसे और बहुत ही खूबसूरत से आज हमारा दिन गुजरे। और मेरे ख्याल से आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि इतने सीनियर पर्सन मेरे लिए तो बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे शो पे इन्वाइटेड हैं आज, और मैं इनसे खूब सारी बातें करूंगी। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, आज सुबह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज मेरे शो के ऊपर हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको देख के ही अंदाजा हो जाता है कि इनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी, ये किस तरह के होंगे। और जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो वाकई ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और जब भी आप इनको देखें तो लगता है कि हाँ एक बहुत ही अच्छे से, मैंने जैसे अभी अपने इंट्रो में भी कहा था, बहुत अच्छे से नाना, बहुत अच्छे से दादा, और एक आइडियल फादर। मेरे ख्याल से एक आइडियल फादर अगर हमने जब ड्रामों में भी देखा तो उन्होंने जब जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया अपने आप को, वाकई ये होंगे भी ऐसे आइडियल फादर। तो इनको वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। मैं बात कर रही हूँ जी, मैं बात कर रही हूँ ज़ुल्कर्नैन जमील आली साहब की, उर्फ राजू जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आई एम परफेक्टली फाइन, आप कैसे? वंडरफुल टू बी हियर ऑन वाइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे शो के ऊपर, बहुत ज्यादा कल से मैं एक्साइटेड थी कि आप मेरे शो के ऊपर। अच्छा कैसे हैं आप? आई एम आल्सो एक्साइटेड टू बी ऑन वाइब टीवी, एंड थैंक यू। आई हैव ऑलवेज कंसीडर्ड वाइब टीवी टू बी समथिंग